आज ही मैं तुम क्लियर करने वाला कि गोश्त के हिसाब से सब तो अच्छी शीप केड़ी है, दूध के हिसाब से सब तो अच्छी शीप केड़ी है, ब्रीडिंग के हिसाब से सब तो अच्छी शीप केड़ी है और पैसे के हिसाब से सब तो अच्छी शीप केड़ी है। पाकिस्तान के बहुत सारिया नस्लों दी शीप पाई वैंदियां, उन्हां दे मुताबिक अज मैं तुम दसावन वाला कि गोश्त के हिसाब से ब्रीडिंग के हिसाब से और दूध के हिसाब से सब तो अच्छी नस्ल की ब्रीडिंग और शीप केड़ी है। अस्सलामु अलैकुम टू आल संगत, क्या हाल चाल है? उम्मीद करें ना भाई सारे दोस्त अहबाब सारे भैन बिरा अल्लाह के फजल करम ना ठीक हो सन। अल्लाह पाक सारे भैन बिरा सारे मेरे भरा भैना उन्होंने वालिदैन सेहत आली और लंबी जिंदगी अता करे और जितने दोस्त अहबाब के वालिदैन इस दुनिया तो चले गए अल्लाह पाक करवट करवट जन्ना नसीब करे और आखरत अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार अता करे। दोस्तों आज एक बड़े मेन टॉपिक ते वीडियो है कि पाकिस्तान दे विच कितने नस्ल दियां भेड़ां पाईयां वैंदियां, कितने नस्ल दियां शीप पाईयां वैंदियां, कितने नस्ल दियां बकरियां पाईयां वैंदियां और सब तो ज़्यादा फायदे वाली केड़ी बकरी भेड़, सब तो ज़्यादा फायदे वाली केड़ी शीप है। आज वीडियो का मेन मकसद इयो है कि मैं तुहानू दसावां कि पाकिस्तान दे विच कितनियां नस्लां दियां भेड़ां पाईयां वैंदियां और सब तो ज़्यादा फायदे वाली नस्ल केड़ी। हुण फायदे दे विच दिठा वञे तां जी गोश्त भी आ वैंदा, गोश्त ही फायदा है, ठीक है। गोश्त जिहड़े जानवर हैं ओही फायदा है, जिहड़े जानवर ना चलदा दूध वास्ते गिंदे लोक हुण भी फायदा है, पाकिस्तान दे जिहड़े ब्रीडिंग वास्ते गिंदे ओ भी फायदा है, उहनां दा नाम भी क्रैश उहनां दा, अगर चार ड्याड़ां दा भी जानवर होवे तां ओ 50-55 हज़ार रुपए दा विकवेंदे, इह जी ना ब्रांड बन गया। दूजा हुण मैं तुहानू दसावां कि अगर पाकिस्तान दे विच ये ट्रेंड बना होए कि अगर दुध दे हिसाब से जानवर गिणना है तां दमानी यानी जर्मन ब्रीड, अगर गोश्त विच गिणना है तां कजला ओ माजरत मुंदरा डेरा गाजी खान ब्रीड, अगर तुसां ब्रीडिंग वास्ते और पैसे वास्ते रखना है कि जी बिजनेस करना है शौक करना है तां वत कजला यानी कि खुशाबी और सरगो दीवाल, पंज रंगा होवे या बिल्कुल कक्का भूरा होवे इस नाल शौक थी सकदे। हुण मैं तुहानू ऐसियां गल्लां दसा सां कि जिहड़ियां दे विच तुसां अगर सुनी तां तुहाडे कन्न खुलवे सन कि जी बाकिर भाई सानू जिहड़ियां गल्लां दसांदा ना बिल्कुल ठीक दसांदा। बेयार दोस्तां दा इक सवाल होंदा कि बाकिर भाई तू बेसिकली हैं केड़ी जादा, मेरी जान दे टोटियो मेरे भिरावो अल्लाह तुहानू वसदा रखे। मैं हाँ जी ज़िला बखर तू, तहसील दरिया खान ज़िला बखर और ये लिया ते मियाँ वाली दे विचाले चो पैंदा ज़िला, डेरा इस्माइल खान सारा बन्ना ओ डेरा इस्माइल खान भी नाल लग पैंदा। हुण जी दिठा वञे ना जी कजला, कजला अगर किसे निस्बत या किसे मकासद दे जरिए दिठा वञे ना जी तां कजला गोश्त च सब तो ज़्यादा, कजला दुध च सब तो ज़्यादा, कजला कलर सब तो ज़्यादा और कजला ब्रीड सब तो ज़्यादा। कजले रंगा ना कोई ब्रीड च आ वेंदा, ना कोई रंग च आ वेंदा और ना कोई कन्ना च आ वेंदा। मंडी दूते अगर ओरिजिनल चीज़ आई खड़ोती हो, कजला ओरिजिनल आया खड़ोता हो, दिल चाहता है कि जी ये पैसे भर वनो। अगर हर निस्बत ना लिठा वजे ना जी, हर चीज़ ना लिठा वजे यानी कि गोश्त के हिसाब ना लिठा वजे, खूबसूरती के हिसाब ना लिठा वजे, दूध के हिसाब ना लिठा वजे या एनीवन शौक के हिसाब ना लिठा वजे, ब्रीडिंग के हिसाब ना, तो कजला किन्या दिन ऑल इन वन ने कि हर चीज़ के मुंदरा जुड़ पे। हूँ अगर तुसां देखो जी कि सिर्फ तुसां गोश्त वास्ते रखना है, सिर्फ गोश्त वास्ते, वत मेरा ये मशवरा है कि सिर्फ गोश्त वास्ते ओनली ऑन गोश्त तां दमानी ठीक है। दमानी जेड़ा गोश्त मुंदरे तो बहुत ज़्यादा कढ़दा है, मुंदरे का गोश्त जेड़ा होंदा ना जी वो ज़्यादा पुख्ता और मजबूत गोश्त नहीं होंदा। अगर तुसां गोश्त वास्ते खुद घर ब्रीड इस्तेमाल करनी है कि जी गोश्त वाली ब्रीड केड़ी होंदी तो उस वास्ते एक मेरा अपना तरीकाकार और इस्तेमाल शुदा मेरा ये तजर्ब है कि उस वास्ते तुसा शिनवारी नस्ल के दुंबे गिन गिन सो शिनवारी आते हैं जी जनिया लाटा वरिया होंदिया जन तुर्की भी आते हैं वड्डी लाट वाले सफेद और रेड कोई भी गिन गिन सो दमानी नस्ल दियां भेड़ा गिन गिनो दमानी दमानी आते हैं जर्मन ब्राज़ीलियन ब्रीड नू भेड़ा गिन गिनो और उस
इस चीज़ नूं ब्रीड कराओ, यानी कि शिनवारी और तुर्की दे विच ब्रीड कराओ दमानी नूं। अल्लाह नूं मन्नण वाले हो कि इतना अच्छा खूबसूरत और बेहतरीन गोश्त इस ब्रीड दे, मैं अपनी लाइफ विच ऐसा गोश्त वाला जानवर ऐसा गोश्त अज तक नहीं दिखा। बहुत खूबसूरत इन्हें गोश्त हो सी जो वच्छे या कट्टे का गोश्त होता है, मतलब ना कोई जायका सी विचों और ना ये लग सी कि जी असा एक बकरे के गोश्त चू ना जायका आता है, ठीक है, वच्छे कट्टे के गोश्त चू कोई जायका नहीं आता, इन्हें मजबूत और सख्त गोश्त हो सी। ये जी ये एक इलाके दे मैं ब्रीड वाई डिठी है और मैं उत्थे वीडियो इंशाल्लाह जल्द बनाव वाला कि तुर्की और शिनवारी नु क्रॉस कराया गया दमानी नाल और उदे विचों जी ब्रीड कढ़ाई गई है कि गोश्त आस्ते और उन्हें चार जानवर रखे कुरबानी आस्ते। कुरबानी दा मैं वाई कि गोश्त खाद है अल्लाह ने मनण वाले बेहतरीन वी आई पी और खूबसूरत गोश्त, सिर्फ दमानी का गोश्त जहाँ जहाँ खाद है। मैं तो उन्होंने कुरबानी वाली वीडियो बन के दिखाई है और उन्होंने इंटरव्यू किया, लोग तारीफ दे का ना फुल बन के गल पाई वन। अच्छा हूँ जी खूबसूरती वाला क्लियर थी गया, गोश्त वाले क्लियर थी गया, हूँ आ गया जी दूध। दूध कजले के शौकीन आते हैं कि दूध कजले च पाऊंगे, ठीक है, जेड़े जी डेरा गाजी खान तो दोस्त देते पैन वो आते हैं कि नहीं बाकिर भाई तुसें झूठ मरे दे पाओ, मुंदरे दे विच मुंदरी ब्रीड बहुत ज़्यादा दूध है। जेड़े दोस्त बाहरों यानी मर्दान पिशावर वाली साइड देते पैन वो आते ना 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 आप गलत कह रहे हैं, शिनवारी और तुर्की में दूध बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये मैं थानू एक वल्ला बा खुदा सीधी गल सकता पाया कि दामानी नसल जी जर्मन और ब्राज़ीलियन क्रॉस है उस बहुत ज़्यादा दूध है। आप तुम अंदाज़ा ला गिनो कि जी ब्राज़ीलियन या जर्मन या अबलख अबलख ही ब्राज़ीलियन होती इस नसल की जी गां सब तो ज़्यादा दूध होता है। तो गल मेरी फैसला यही है कि मेरे तजर्बे के मुताबिक दमानी भेद सब तो ज़्यादा दूध होता है, सब तो ज़्यादा दूध दमानी शीप के सी। और उम्मीद करें जी कि तुम वीडियो पसंद आई उसी, पसंद आई तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करे सो, वीडियो लाइक करे सो, मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो उस टाइम तक, अल्लाह हाफिज़।